नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभिन 24 न्यूज़। दोस्तों, इस समय खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सामने खड़े हुए हैं, जहां पर जो है कुछ लोग पहुंचे हैं और उनका कहना है कि एक डिपो होल्डर जो कि गोली गांव असंध के अंदर आता है और वो जो है यहां पर घपला घोटाला जो है वो कर रहा है पिछले काफ़ी समय से, और उन्हें राशन पूरा नहीं दे रहा है। और यहां पर लोगों की कंप्लेंट्स भी जो है पिछले काफ़ी समय से यहां पर DFSC साहब को दी जा रही है, लेकिन फिलहाल उनका ये आरोप है कि उनकी किसी कंप्लेंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक बार उन्हीं लोगों के पास चलते हैं और उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कुछ जो है उन्होंने कंप्लेंट यहां पर दी थी। और आपसे अपील, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है डिपो होल्डर से। पिछले दिनों भी हमने काफी सारी कवरेज की है और आज लोग पहुंचे हैं। जी, क्या नाम है आपका, कौन से गाँव से हो? 30 जी, गोली से है जी। हमने कंप्लेंट की थी जी DFSC ऑफिस में भी और DC ऑफिस में भी जी, तो उसका उसमें इन्होंने 3 अखबारों में निकलवा दिया था डिपो होल्डर क्रम्बी 9 का डिपो रद्द जी। लेकिन अब बोल रहे हैं जी सप्लाई सस्पेंड हुई है। अच्छा। ये तो निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है जी। हम पहले भी 70-80 लोगों के साइन करवा के लाए थे जी, और ये गांव में एक टीम गई थी जी, वहाँ पे भी 200-250 आदमियों ने अपने साइन करे थे जी, और 60-70 आदमियों ने अभियान करे थे। ये 2 तारीख की बात है जी, 2 तारीख की, हाँ, 2 दिसंबर की जी। तो 3 तारीख को इन्होंने 3 अखबारों में कढ़वा दी जी अगवाई। तुरंत प्रभाव से टीम भेजी गई अशोक रावत के द्वारा, 2 इंस्पेक्टर से आए थे और 2 यहाँ से। तो लेकिन अब ये ऐसा बोल रहे हैं भाई उसका लाइसेंस रद्द नहीं हुआ है, सिर्फ उसकी सप्लाई सस्पेंड हुई है। हम चाहते हैं कि उसका लाइसेंस भी रद्द हो और उस पर उचित एक्शन हो, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों का राशन को गुंठा लगवा लेता लेकिन एक ही राशन देता, जबकि सरकार की तरफ से दोनों जाते हैं। और उन्होंने कभी भी 20 तारीख से पहले राशन नहीं मांडा, जबकि यहाँ से राशन 3 तारीख के और 10 तारीख के बीच में क्यों चले जाते हैं, लेकिन उसने कभी भी 20 तारीख से पहले नहीं बांटा। तो हम चाहते हैं उसके साथ उचित से उचित कार्रवाई हो और उस पर FIR दर्ज हो। और वो मेरे घर आके, जब मैंने कंप्लेंट दी शाम को 2 तारीख को, मेरे घर आके कह के जाता है, अब तो ये 3-4 महीने में खाट से उठा था, मेरी दरखास्त दे के इसने दोबारा फिर खाट में पड़ने की तैयारी कर ली। मेरी विभाग से रिक्वेस्ट है अब उसके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई करी जाए, क्योंकि मेरे को उससे खतरा भी है भाई साहब। तो ये आदमी बता रहे हैं कि ये कोई एसोसिएशन है डिपो होल्डर के प्रधान है, ये करमबीर नैन है जी, ये धमकी देते हैं जी। मेरा इतने दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री जो हरियाणा के मौजूद है, वो इतने सरकार में है, इतने तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए हम सरकार से भी, दुष्यंत चौटाला से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं भाई, गांव वोट देवा है, वो कल्ला वोट नहीं देना, चाहे उसके साथ रहेगा तो गांव विपक्ष में है, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा वहां पे इलेक्शन के टाइम में। दुष्यंत चौटाला का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तो हम दुष्यंत चौटाला से भी रिक्वेस्ट करना, इसे गंदे आदमी को तो पार्टी में रखो ही नहीं। एक तो वो भ्रष्ट है जी, गिनोन आदमी है जी, वो अपने भाई के सगे भाई की छोरे की बहू ने भी लेकर भेज रहा जी, और एक बड़े के लड़के के साथ भी उसने गलत काम किया जी, छोटे बच्चे के साथ जी, भूसड़ा पुसड़ा के। इसलिए हम चाहते हैं उसके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई हो जी। बता रही है प्रधान भी है ये? हाँ जी, डीप होल्डर का असंध डीप होल्डर एसोसिएशन का प्रधान है जी, एसोसिएशन का प्रधान है। ऐसा आदमी तो गांव में रहने के लायक भी नहीं है जी। ये क्या कुछ है आपके पास? ये एफिडेविट है जी। किस चीज के? ये जो जी मेरे को और एक लड़के को, और उसकी तो वीडियो भी है जी, उसको धमकी दे रहे आग, तेरे सारे कुंडे को लपेट दूंगा, तेरी कैच काट का छोड़ूंगा जी, ऐसे शब्द भी अभद्र भाषा का प्रयोग करता जी। डिपो होल्डर ने आपको डिपो होल्डर का? हाँ जी, उसकी वीडियो है जी। अच्छा, ये काफी सारे कागज है आपके पास? एफिडेविट है जी। ये किनके हैं? किनके हैं ये? ये जिनको धमकी दे रहा है जी, जो परेशान हो गए सालवन से मेरे गाँव के, कम से कम 70-80 राशन कार्ड बाहर से राशन लेके आते हैं, उसकी एवरेज देख लो जी पिछली जी। क्योंकि सभी कंप्लेंट्स हैं सभी लोगों की? हाँ जी, कंप्लेंट है जी। आप देख सकते हैं कि ये कंप्लेंट्स हैं जिसके अंदर बता रहे हैं कि डिपो होल्डर जो है वो राशन भी उन्होंने नहीं देता, और यहाँ पर धमकी के बारे में भी उन्होंने बात की, जिस तरीके से डिपो होल्डर जो बता रहे हैं कि संध डिपो होल्डर एसोसिएशन का प्रधान जो है वो व्यक्ति जो कि अभी DFSC ऑफिस में पहुंचे थे और DFSC साहब से भी बात करने का प्रयास जो है वो करेंगे अशोक कुमार जी से, कि आखिर क्या कुछ उनको जानकारी मिली थी। और क्योंकि जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, तो आपने बताया था कि पहले उन्होंने ऐसा कहा था कि उसे सस्पेंड कर दिया है उसका? हाँ जी, सस्पेंड कर दिया था जी, 3 अखबारों में दे रखी जी, लेकिन अब ऐसे बोल रहे हैं कि सप्लाई सस्पेंड अखबारों में दी हुई है। हाँ, 3 कटिंग है आपके? हाँ जी, कटिंग है जी हमारे पास, दिखाइए। तो यहाँ पर जो है फिलहाल इनका ये कहना है कि इनके पास अखबारों की कटिंग है, जिसके अंदर ये लिखा है कि उसे उसका जो डिपो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन अभी फिलहाल जो है ये देख लीजिए, ये यहाँ पर अखबार की कुछ कटिंग आप देख सकते हैं, जिसके अंदर ये
राशन बांटने में गड़बड़ी, संत डिपो होल्डर एसोसिएशन के प्रधान का लाइसेंस रद्द। ये देख लीजिए लाइसेंस रद्द लिखा हुआ है, तो ये सारी तस्वीर आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल इनका कहना है कि उसकी बाद में जब डीएफएससी ऑफिस पहुंचते हैं तो वो क्या बोलते हैं, ये कहता है कि उसका राशन और सप्लाई सस्पेंड हुई है। अच्छा। और वो अभी भी राशन दे के जिन लोगों से साइन करवा रहे, जो उन्होंने गांव में 1 तारीख को लाइसेंस रद्द का मतलब तो है कि वो राशन दे ही नहीं सकता। हाँ जी, लेकिन वो सप्लाई रुकी है, अभी सप्लाई रोकी है जी। लेकिन वो 1 तारीख को भी जी, जब उसको पता चला गया, कंप्लेंट हो ली आपकी, तो लोगों के घर घर जाके 1 तारीख को चीनी बांट के आ जी, नमक और चीनी जी। अच्छा। तो और वो अभी भी 5 तारीख को भी लोगों को राशन दे रहा जी, अब जो पछला जी साइन करवाने के लिए जी, लोगों से साइन कर रहे हैं। वो राशन में क्या कुछ नहीं देता है जो जिसके लिए कंप्लेंट किया? यहाँ से सरकार के पास से गेहूं और चून दोनों जाते हैं जी, लेकिन वो गुंठा लगवा लेता जी। गुंठा एक बार लगने के साथ ही सारा राशन लिगड़ जाता जी, जो 20 तारीख के बाद लगता है, उससे पहले लगता है तो क्यों लिगड़ेंगे, 20 तारीख के बाद लिगड़ेगा सारा सामान लिगड़ जाएगा जी। तो गुंठा लगवा लेता, तो उसने एक बार भी 20 तारीख से पहले नहीं बांटा, बाद में बांटता है, क्योंकि एक के गुंठे तो लिगड़ जाए जी सारा। तो एक ही चीज देवा जी, होता क्यों देगा जी, चाहे चून देगा जी, फिर कह देता मेरे पास खत्म हो गया जी। एक जी वो वैसे बोले जी, मेरी मशीन में 9 किलो चून है, 9 किलो राशन रह गया, तो 9 किलो कैसे रह गया जी, बीपीएल का 35 किलो है और जो पर आदमी मिलता है 5 किलो है जी, कहाँ से गुणा कर लियो जी, चाहे लास्ट में 0 आएगा जी, चाहे 5 आएगा जी, लेकिन 9 किलो कैसे रह गया जी, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जी उसके खिलाफ? डीएफएससी साहब से मिले अभी के नहीं? डीएफएससी से कहा था जी, डीएफएससी साहब ने बोले जी ये दे जाओ, उसके बाद आपकी इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी तो पहले भी हो चुकी है जी, वहाँ पे बयान करे थे जी, मेरे पास वीडियो भी जी, यहाँ से अफसर गए थे जी 4 जी। आप लोग क्या चाहते हो? हम चाहते हैं जी उसका कोटा रद्द हो जी, और उसके खिलाफ FIR दर्ज हो, और एक जी सामान सरकारी गाड़ी में जाता जी, लेकिन वो छोटे हाथी में लेके आता जी, पर्सनल में जी, मेरे पास उसकी भी वीडियो है जी। वो पर्सनल साधन में राशन कैसे ले रहा जी, उन्हें ट्रंक के ट्रंक बाहर तरवा दिया जी, बेच दिया जी, उसमें से आधा गांव में लेके आता जी। तो आप ये क्या चाहते हो कि उसका जो लाइसेंस रद्द लिखा है वो लाइसेंस रद्द ही होना चाहिए? लाइसेंस रद्द भी होना चाहिए जी, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जी, तो वहाँ राशन कहाँ उतार रहा जी वो, और जो उसने लोगों का खाया उसका हिसाब होना चाहिए जी। क्यों मान लो जी इसमें कंप्लेंट की है, जैसे वो धमकियां दे रहे हैं पुलिस में, कंप्लेंट की है पुलिस में? कंप्लेंट अभी मेरे घर के नाट रहे हैं जी, मेरा परिवार नाट रहे, क्यों गांव का मामला है जी, तो बहस नहीं करना चाहते जी। हम चाहते हैं बस डिपो रद्द हो जाए, उसके खिलाफ यहाँ से FIR दर्ज हो जाए, जो उसने खाया लोगों का वो उसको रिकवरी की जाए जी, जी जी। तो हम तो सिर्फ यही चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ और लोग भी, आप ही इनके गाँव से आप? हाँ जी, ये उसका सगा भतीजा है जी, उसकी भी कंप्लेंट। अच्छा। हाँ जी, वो राशन नहीं देता। किन के भतीजे आप? करमबीर के भतीजे हैं। अच्छा, क्या क्या बताइए क्या? ये राशन नहीं देता, अंगूठा लगवा लेता है। अच्छा। इसने लेडीज को भी मार पीट के पे उतर जाता है। अच्छा। और इसकी जो खूबियां हैं वो बहुत ही बेकार है, किसी के साथ दुष्कर्म भी, लेडीज के साथ बदतमीजी, किसी को राशन नहीं देता जी, ये मतलब गड़बड़ी बहुत ही ज्यादा चल रही है इसके उसमें। तो बता रहे धमकियां भी देते? हाँ जी, धमकियां भी देते हैं, राशन भी उसकी पर्सनल गाड़ी में राशन आता है जी, किसी जी, को जी। तो वो पूरी की बोरी बोरी उठा देता है जी, रात को बुला के अपने बंदा, जैसे डेयरी में गेहूँ भैंसों को डालने के लिए, और किसी को मतलब रिश्वत लेता है, अभी तेरा राशन कार्ड बनवा दूँ मैं, 10,000 रुपये दे दो BPL कार्ड बनवाने के लिए। तो ऐसे दुष्यंत की भी धमकी देता है, भाई मेरा दुष्यंत उप मुख्यमंत्री है, दुष्यंत चौटाला डिपार्टमेंट का बंदा, इसकी सेटिंग वेटिंग है, असंत जाके बैठता है, इसकी अपनी गैंग भी है जी। अच्छा। ये धमकियां भी देता है जी, जैसे लेडीज के साथ रखता है जी, 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 और गुंडे भी रखता है जी इसके साथ। तो यहाँ कुछ और लोग हैं, आप बता रहे हैं आपको भी धमकी मिली है? ना जी, मैं पिछले महीने में जिस सालमन से राशन लिया था जी, मैं अक्टूबर में 26 अक्टूबर को मेरी माता जी गुजर गई थी जी, मैंने 1 हफ्ता चक्कर काटे थी, जो उन्होंने बोला मशीन बंद है, वैसे है वैसे है, मेरी मशीन राशन नहीं मिलता, राशन नहीं दिया जी उन्होंने जी, नहीं दिया जी, कब से नहीं मिल रहा? 3 महीने हो जाए गड़बड़ कर जाए राशन, 3 महीने से हाँ जी गड़बड़ चल रही है। हाँ जी, काफी सारे लोग परेशान है गांव के, काफी लोग, कम से कम 200-300 आदमी मैंने परेशान है जी, 200-300 लोग परेशान है, सभी ने कंप्लेंट्स दी हैं। हाँ जी, सब ने कंप्लेंट दी है। तो DFSC साहब क्या बोलते हैं, क्या करेंगे आगे? ये तो इनको है जी, कार्रवाई करेंगे जी हम जी, मैं कह रहे हैं जी, क्या लगता है हो जाएगी कार्रवाई? देखो जी, अब उनके हाथ में जी, जो कुछ होगा जी। तो आपसे पहले इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें, फिलहाल जो DFSC साहब हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, और आपसे पहले इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लोग पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान चल रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहन है जी, गोली गाँव से जी, करनाल डिस्ट्रिक्ट से। हाँ हाँ। जो है कि मेरा 2 महीने का राशन खाया गया जी है। अच्छा।
और जी मैंने इसको बोला था कि भाई मेरा राशन ऐसे कैसे खाया गया तू, इन्होंने अंगूठा लगवा बोलिया ऊपर से कम आया जी राशन, तो इस करके मैंने इसको कई बार कहा कि भाई मेरा राशन दे, बोलिया आगे ऊपर से आएगा तो मैं देऊंगा नहीं, मैं कहाँ से देऊंगा, बोले आप मेरे ऊपर कार्रवाई करो और मैं उनके ऊपर करूंगा जो राशन दे रहे हैं, ऐसा बोलिया जी इन्होंने, और ऐसा बोल के अनसुना कर दिया जी, बिल्कुल भी गौर नहीं की बातों पे। कितने टाइम से नहीं मिला राशन? 2 महीने का जी, 2 महीने का राशन नहीं मिला, 2 महीने का राशन नहीं मिला जी। जी जी, तो आप देख सकते हैं लोग परेशान हैं, और फिलहाल ये तस्वीर हमने आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि कई डिपो होल्डर्स जो है करनाल के अंदर ऐसे ही घपला कर रहे हैं और राशन लोगों को देते नहीं है, लोगों का राशन खा जाते हैं, और लोग भी परेशान हो रहे हैं, कई लोगों को कह रहे हैं कि इनका जो है ऑनलाइन नाम नहीं चढ़ा हुआ। अब कई ऐसे लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते जो ऑनलाइन जो है अपना नाम चढ़वा सकें, तो ऐसी सरकार की जो ये नियम है उनका हल कैसे होगा? अगर सरकार चाहती है कि राशन में कोई घपला ना हो, हर आदमी तक सही तरीके से राशन पहुंचे, गलत आदमी तक ना पहुंचे, तो ऐसे ऑनलाइन संसाधन बनाने का फायदा क्या, जब आम अनपढ़ आदमी जब है उसका सही से हल नहीं कर सकता। अगर वो डिपो होल्डर के पास जाते हैं तो वो बोलता है ये काम मेरा नहीं है। तो आप लोगों से अपील है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि लोग काफी परेशान हो रहे हैं। पिछले काफी समय से लगभग 1-2 साल से ही हमारी ये मुहिम चल रही है कि डिपो होल्डर जो है वो लोगों को सही तरीके से राशन बांटे, लेकिन अभी तक भी कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और ये सारा काम विभाग ने करना है। तो आपसे अपील है इस वीडियो को शेयर करें, और फिलहाल जो है DFSC साहब है उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ उनके ऊपर उनके पास जानकारी आई थी और क्या इस बारे में फिलहाल वो हल निकाल रहे हैं। तो DFSC साहब अशोक कुमार जी हमारे साथ में हैं। सर, इनकी क्या कंप्लेंट आई थी? ये कह रहे हैं कि एक डिपो होल्डर है जो कि राशन उन्हें देता नहीं है, और आरोप भी ये लगा रहे हैं कि वो राशन जो है पूरा लेकर नहीं आता है। क्या कुछ सर आपको यहाँ पर इन्होंने जानकारी दी? देखो, प्राइमरीली आपके मीडिया में आई थी एक रिपोर्ट आई थी, इस तरह से ये व्यवहार ठीक नहीं है और राशन ठीक नहीं देता, तो वो टीम हमने भेजी थी, उसकी फाइंडिंग के बेसिस पे उसको नोटिस इशू किया गया, और उसका जवाब आया है अभी, जवाब आया हुआ है, लेकिन ये लोग अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो मैंने इनको दोबारा कहा है कि आपके जो इशू है आप हमें बता दीजिए, लिख के दे दीजिए, हम दोबारा से इसकी इंक्वायरी करवा लेते हैं, जो भी फाइंडिंग होगी उसके हिसाब से उसका फैसला किया जाएगा। तो ये फिलहाल ऐसा कह रहे हैं कि जिस तरीके से कंप्लेंट्स इनके पास काफ़ी सारी हैं, ये कह रहे हैं कि उसे उसका जो डिपो है वो सस्पेंड जो है वो होना चाहिए, और वो अभी तक नहीं हुआ। यदि ये ऐसा कह रहे हैं और इनकी बात में सच है तो ज़रूर सस्पेंड होगा, और मौके पर जो कार्ड होल्डर हैं उनसे भी पूछा जाएगा और उसी के हिसाब से फैसला किया जाएगा। कब से ये मामला आपकी जो है में है? लास्ट वीक ये हुआ था और उसको नोटिस हमने इसलिए दिया था, नोटिस दे दिया था आपने। हाँ। तो अभी फिलहाल आगे इस पे क्या कार्रवाई अभी करना है? वो जो भी फाइंडिंग आएंगी, जो भी मौके पर टीम जाएगी, जो भी उनकी रिपोर्ट होगी, इनके बयान के हिसाब से मशीन को चेक करते हुए उसके हिसाब से, और अगर उसमें कोई भी कमी पाई जाती है तो क्या सस्पेंड होगा? कमी पाई जाती है तो जरूर होगा, जरूर कार्रवाई होगी, जरूर होगी, FIR दर्ज होगी, कमी के हिसाब से, कमी के जो भी रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से। तो DFSC साहब ने जिस तरीके से अपनी बात कही है उसके अंदर तो उन्होंने कहा है कि जो उसका लाइसेंस है वो हम रद्द करेंगे, लेकिन फिलहाल कार्रवाई क्या होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि फिलहाल लोग परेशान हैं, उनके घर राशन नहीं पहुंच रहा है, सरकार की इस तरह की नई नई स्कीमें बनाने का लोगों को कोई फ़ायदा तो नहीं मिल रहा। हाँ, जो डिपो होल्डर हैं वो मज़े ज़रूर कर रहे हैं। तो फिलहाल जो है यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को उनके घर में राशन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमारा काम हम करते रहेंगे, आप तक कवरेज पहुँचाते रहेंगे, सच दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो है लोगों को भी आगे आना होगा, लड़ना होगा। और अगर आपको कोई भी आपका डिपो होल्डर परेशान कर रहा है तो आप IBIN 24 में कॉल करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुँचे आप तक।